गाजा जितना आसान नहीं है लेबनान में घुसकर लड़ना। इजराइल के आड़े आए दो ताकतवर देश, अमेरिका और फ्रांस। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। तकरीबन 11 महीनों से गाजा में जारी युद्ध के बीच हिजबुल्ला भी आए दिन इजराइल से उलझता रहा, लेकिन अब हमास के साथ ही हिजबुल्ला से भी इजराइल की सीधी टक्कर शुरू हो गई है। इस तनाव ने नया मोड़ तब लिया जब पिछले हफ्ते लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए। इन धमाकों का आरोप इसराइल पर लगा और हिजबुल्ला ने सैकड़ों रॉकेट इसराइल की तरफ दाग दिए। फिर इसके जवाब में लेबनान में किए गए बड़े इजरायली हमलों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। हालिया इजरायली स्ट्राइक में लेबनान में सैकड़ों नागरिकों की मौत की खबर है और हजारों लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद फ्रांस ने लेबनान के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की है। उधर अमेरिका ने भी लेबनान में जमीनी हमलों की कार्रवाई को लेकर विरोध जाहिर किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि मैंने अपील की है कि इस हफ्ते लेबनान पर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से आपसी संघर्ष से बचने का आह्वान किया है। बैरोट ने कहा कि जंग सभी के लिए विनाशकारी होगी, खासकर लेबनानी नागरिकों के लिए। इसके अलावा अमेरिका ने भी लेबनान पर इजरायली हमले की मुखालफत की है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र में बैठक बुलाई जा रही हो। गाजा को लेकर भी कई बार यूएन की बैठक बुलाई जा चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इजरायली कार्रवाई पर लगाम नहीं लग सका है। मगर लेबनान मुद्दे पर फ्रांस की आवाज को नजरअंदाज करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस एक नाटो देश है और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर रखता है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद अमेरिका भी चिंतित है। अमेरिका के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि लेबनान संकट को कम करने के लिए अमेरिका ठोस विचार रख रहा है। अमेरिका ने हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए इजराइल के जमीनी हमले का विरोध किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व नेताओं के आने पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हमारे पास कुछ ठोस विचार है जिन पर हम इस हफ्ते अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि इस मसले पर आगे का रास्ता निकाला जा सके। वैसे फ्रांस लेबनान का पुराना साथी भी है और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब लेबनान पर आए किसी संकट के समय फ्रांस आगे आया हो। 2020 में लेबनान के बैरूत में हुए अमोनियम नाइट्रेट धमाके के वक्त भी फ्रांस ने लेबनान की मदद की थी। 20 सितंबर को हुए पेजर अटैक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्यक्तिगत तौर पर लेबनान के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया था। दरअसल आज़ादी से पहले लेबनान फ्रांस के कब्जे में था। लेबनान की धर्म आधारित संसदीय व्यवस्था भी फ्रांस की ही देन है। फ्रांस ने लेबनान में कई दशकों तक राज किया, इसी वजह से वो इसके प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझता है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी हैं। इसके अलावा लेबनान में फ्रेंच भाषा और संस्कृति का काफ़ी प्रभाव है। लेबनान के लोग न सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, बल्कि फ्रांसीसी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे में लेबनान में शांति और स्थिरता फ्रांस के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी लेबनान पर कोई मुसीबत आती है तो फ्रांस एक्टिव हो जाता है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।